सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है, तो चूंकि गौशाला जो नाम से ही प्रतीत होता है कि यह हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र घंटे घड़ियाल बड़े शिलालेख दो यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई, तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई गौशाला ही है। आज हम एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण की गहराई में जाएंगे जो धार जिले के भोजशाला परिसर में हो रहा है। क्या इस सर्वेक्षण से इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्यों का पता चलेगा? क्या इससे सामाजिक समरसता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आइए इस विशेष रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजशाला परिसर में जारी सर्वेक्षण ने न केवल धार जिले बल्कि पूरे देश की जनता की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत 8 बजे हुई और शाम 5:30 बजे समाप्त हुई। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सर्वेक्षण को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश में आधुनिक पुरातत्व तकनीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंजाम दिया। आपको बता दें कि एएसआई ने कार्बन डेटिंग, जीपीएस तकनीक और जीपीआर तकनीक का उपयोग करते हुए दिन भर में अच्छी तरह से सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण को कोर्ट के निर्देशानुसार 50 मीटर की दूरी तक अंदर और बाहर दोनों जगह किया गया। वहीं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रतिनिधि आशीष गोयल का कहना है कि भोजशाला परिसर मां सरस्वती का मंदिर है, वे एएसआई सर्वेक्षण से अनुकूल परिणाम की आशा कर रहे हैं। गोयल ने यह भी जोर दिया कि सर्वेक्षण कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि अब्दुल समद नए सर्वेक्षण के लिए हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत है। उनका कहना है कि इस तरह के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसी तरह का एक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक है। वे इस नए सर्वेक्षण के खिलाफ हैं, क्योंकि पिछले सर्वेक्षण के बाद से यहाँ कई नई चीजें शुरू हो गई हैं और स्मारक में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के विवादित भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी। आदेश में एएसआई के ऐसे सर्वेक्षण करने के वैधानिक परीक्षण पर जोर दिया गया। कोर्ट के आदेश में एएसआई की 5 सदस्यीय समिति द्वारा परिसर की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए एक व्यापक जांच का निर्देश दिया गया। साथ ही ये भी निर्दिष्ट किया गया कि पूजा अधिकारों के बारे में निर्णय समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाए। इस विशेष रिपोर्ट में हमने भोजशाला परिसर के सर्वेक्षण की विस्तृत जानकारी प्रदान की है, जिसमें दोनों पक्षों की आशाएं और चिंताएं शामिल है। इस सर्वेक्षण का परिणाम न केवल धार जिले के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। इसके परिणाम से इतिहास की नई व्याख्या हो सकती है और सामाजिक समरसता पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा को देखते हुए हमने देखा कि इसमें विभिन्न पुरातत्व तकनीकों का उपयोग हुआ है। इसके अलावा इस सर्वेक्षण से जुड़े व्यक्तियों और तथ्यों का भी विश्लेषण किया गया है। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि दोनों पक्षों के बीच विभिन्न विचार और आशाएं हैं। आगे चलकर इस सर्वेक्षण के परिणामों का विश्लेषण करते हुए हम ये देखेंगे कि इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे धार जिले के इतिहास और संस्कृति पर नई रोशनी पड़ेगी, क्या इससे समुदायों के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा। इन सवालों का जवाब अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन इनके उत्तर हमें आने वाले समय में मिल सकते हैं। हम आपको इस विषय पर अगले वीडियो में और अधिक जानकारी देंगे, जिसमें हम इस सर्वेक्षण के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।